हे गाइस, दिस इज़ माय न्यू चैनल। वैसे पहले भी नहीं कोई चैनल था, बट हम आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है बोन इंड्यूस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसे हम शॉर्ट में पाइड कहते हैं। सो पाइड होता क्या है एक्चुअली, मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ। कुछ एक हफ्ता पहले मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लैट पर था और मेरा, तो हमने सोचा हमारे डिस्टेंस को, हमारे रिलेशनशिप को अच्छा टाइम हो गया था और लॉन्ग डिस्टेंस है। सो मैंने सोचा कि हम आगे बढ़ते हैं। सोचा था तब तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ वर्किंग था, बट जब मैंने ट्राई किया उसके साथ सेक्स करने का, तो यार कुछ हुआ ही नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं यार, बता नहीं सकता मैं हुआ क्या है। तो ये ऐसे कहते हैं पोन इंड्यूस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। आप फिज़िकली तो सब कुछ होता है, ये एक वर्चुअल बीमारी है। आप फिज़िकली तो सब कुछ टाइट होते हो, जब आप पोन देखोगे तब बहुत अच्छे से सब कुछ होता है, मतलब मैस्टरबेशन मैस्टरबेशन सब होता है। एंड देन आप जब किसी लड़की के साथ रियल में करने जाओगे तो ऐसा नहीं होता। एक हफ्ते बाद जब मैंने ट्राई कर रहा था, बट डाउन देयर कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। सो मैंने एक्चुअली उसे पता नहीं चलने दिया, मैंने उसे कहा कि नहीं यार मेरा मन नहीं हो रहा है ऐसा एंड वैसा, मैंने उसे अच्छे से कहा। एंड देन हम वापस आ गए घर पर अपने अपने, तो वह ऐसा कि यार पता नहीं यार, ये बहुत बुरी बीमारी है एक्चुअली। इसके लिए क्या दो तीन चैनल्स भी है, बट वो इंग्लिश में। तो होता क्या है, आज जो हमारे कंट्री में जियो आया है ना, इसने हमने को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तो दी है, पर इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि बहुत सारे लोग यार फ़ोन पे लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। अगर आप फ़ोन बहुत कुछ बहुत ज़्यादा देखोगे ना, तो आप सच में ये बीमारी से ग्रस्त हो सकते हो। रियली जो लोग कहते हो ना कि फ़ोन नॉर्मल है यार, वो उनके लिए नॉर्मल होगा, भाई अपने लिए नहीं है यार। खास करके मैं मेरी बात कर रहा हूँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो तुमको भी ऐसा लग रहा होगा कि यार हो सकता है भी लागू, या फिर आप टाइम पास के लिए देख रहे होंगे तो मत देखो ब्रो। अवेयरनेस के लिए देख रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अवेयर हो जाओ यार, ये फ़ोन वोन कुछ भी अच्छा नहीं है भाई। मैं दिन में छः बार 4-4 बार 2-2 बार बहुत मोट फोन यार, HD फोन, फ़ोन की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए थी, ऐसा वैसा। पर जब मेरे साथ घटा ना यार, तब मुझे पता चला। तो ब्रो फिर अपन ने एक हफ्ते बाद था, देन मैं घर पर आया, मैंने देन सब कुछ ओके था, फिर मैंने सर पे हाथ रखा। ऐसा नहीं है कि उसके साथ फीलिंग नहीं है यार, हम बहुत, हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो भी बहुत अच्छी दिखती है, मैं भी अच्छा यू डिसेंट सा। तो बस हुआ ऐसा कि फिर बाद में मैंने यूट्यूब पे खोजा कुछ चैनल्स, देन मुझे मिले यूट्यूब पे 2-3 चैनल्स में जो POMO की बात करते हैं। POMO मीन्स पोन मैस्टर्बेशन ऑर्गेजम। तो देन गैरी करके एक चैनल था, जिसने जो ये पहला बंदा था जिसने सबसे पहले पता लगाया था कि असल में होता क्या है ये सब, ये वर्चुअली बीमारी है क्या, जिसमें हम फिज़िकली तो सब टाइट होता है बट वर्चुअली कुछ भी नहीं। तो हुआ क्या, उसने एक तरीका बताया कि इससे ओवरकम कैसे करें। तो उसने सीधा सीधा कहा भैया कि 30 डेज तक, इसके 3 फेज होते हैं, 90 डेज टोटली। तो उसने कहा कि 30 डे पहला फेज होता है 30 डे, देन 60 डे एंड देन 90। तो उसने कहा कि 30 डेज तक आपको कुछ भी नहीं करना है, POMO बिल्कुल नहीं करना है, फोन मैस्टिवेशन ऑर्गेजम बिल्कुल नहीं करना है, गर्लफ्रेंड से दूर रहो, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और